हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि वॉच टाइम कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा, अगर उस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपके वॉच टाइम बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ लोग को वॉच टाइम के बारे में नहीं पता, तो मैं उन सभी को पहले बता देना चाहूँगा कि वॉच टाइम दोस्तों होता क्या है। अगर आप यूट्यूब पर आते हैं, वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और यूट्यूब से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं या इनकम करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम वॉच टाइम 4000 घंटे का कंप्लीट करना होता है, जो कि एक साल के अंदर, और साथ में 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करना पड़ता है। दोस्तों, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके वीडियो पर ऐड आएगा। जब ऐड आएगा तो दोस्तों इसी से बताना चाहूँगा, आप सभी का रेवेन्यू होता है, उसी से आप सभी का इनकम होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टिप्स की तरफ। और टिप्स नंबर 1 बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप यूट्यूब पर आते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर भाई आपको बताते हैं कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप वीडियो बनाइए। दोस्तों, आपको साथ में ये भी देखना है, जब कोई व्यूअर आपके चैनल पे आता है तो सबसे ज़्यादा वो क्या देखना पसंद करता है, उसको आप सभी को ध्यान देना होता है। और उसी के हिसाब से आप देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि यूट्यूब पे अगर आप जो वीडियो बना रहे हैं, यो व्यूअर के हिसाब से अगर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। आपसे बताना चाहूँगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक, दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप यूट्यूब पे आए हैं और खास हम नए हैं, तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि रोजाना देखा जाए कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग टॉपिक आता रहता है। अगर उस पर वीडियो बनाएंगे, लग भाई अगर आपका वीडियो रैंक कर गया तो आप देखेंगे आपका जो वीडियो है काफ़ी अच्छा वॉच टाइम लेके आएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आपसे बताना चाहूँगा इस टिप्स में आप सभी को अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना लेना है। दोस्तों, अगर आप YouTube से रिलेटेड, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, या आपका कुछ रिलेटेड जैसे वीडियो लगातार बना रहे हैं या कई पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट बनाना चाहिए। इससे दोस्तों आपके चैनल पर बहुत फर्क पड़ता है। अगर व्यूअर आता है, देखता है, अगर आपका वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है और रिलेटेड कोई और भी इसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आपके प्लेलिस्ट को चेक करता है। ठीक है, तो कोशिश करिए अगर आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं तो प्लेलिस्ट भी बनाइए। प्लेलिस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। कई बार क्या होता है, जब व्यूअर को आपका वीडियो पसंद आता है तो आपके प्लेलिस्ट को चेक करता है, क्रम बाई क्रम आपका वीडियो देखने की कोशिश करता है। अगर वीडियो आपका अच्छा रहता है तो आपको वॉच टाइम काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो आप जरूर इस बात को ध्यान दीजिए और प्लेलिस्ट जरूर बनाइए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगले टिप्स की तरफ दोस्तों बढ़ते हुए आपसे बताना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं लास्ट में बहुत सारे बड़े यूट्यूबर भाई हमारे स्क्रीन कार्ड लगाते हैं, जैसे कि लास्ट में वीडियो लगाते हैं, जैसे कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, लास्ट में आपको 2-3 वीडियो दिखता है और साथ में मेरे चैनल का लोगो दिखता है, जो कि सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। दोस्तों, होता क्या है, अगर आप वीडियो के लास्ट में स्क्रीन कार्ड लगाते हैं, अगर रिलेटेड वीडियो रहता है, जब एक व्यूअर लास्ट तक आपका वीडियो देखता है तो सामने अगर रिलेटेड वीडियो आ जाता है तो उसको भी क्लिक करके देखता है, जिसकी वजह से आप सभी को दोबारा देखा जाए तो वॉच टाइम मिलता है, मतलब उस वीडियो से आप सभी को वॉच टाइम मिलेगा। फिलहाल हमारे जितने नए यूट्यूबर भाई, आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप सभी स्क्रीन कार्ड नहीं लगाते लास्ट में तो लगाना शुरू कर दे, इससे आप सभी को वॉच टाइम मिलेगा। और दोस्तों, स्क्रीन कार्ड के बारे में अगर आप सभी को नहीं पता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि स्क्रीन कार्ड होता क्या है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले टिप्स की तरफ। और इस टिप्स में आप सभी बताना चाहूँगा, अपने चैनल का ऑप्टिमाइजेशन जरूर करें। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, यानी अपने चैनल को अच्छे सजाइए, जैसे कि होता है ऊपर बैनर हो गया या टाइटल हो गया, कुछ पिक्चर लगा रहे तो उसको अच्छे से लगाइए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, नए व्यूअर जब आपके चैनल पे आते हैं तो वो आपका पूरा चैनल चेक करते हैं, अगर आपने बैनर सही लगाया, अबाउट सही है, तो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो एक नया व्यूअर आपके चैनल सब्सक्राइब करता है, साथ में आपके सभी वीडियो को देखने की कोशिश करता है। तो आप कोशिश करिए अपने जो चैनल को सजा के रखिए, अच्छे से रखिए, मतलब ऑप्टिमाइज करके रखिए दोस्तों, इससे भी आपके चैनल पे अच्छा खासा वॉच टाइम मिलता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। और इस टिप्स में आप सभी बताना चाहूँगा कि अपने वीडियो में थंबनेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, हर एक यूट्यूबर देखिए आपको बोलता है कि थंबनेल आप अच्छा बनाइए। दोस्तों, आप जितना मेहनत करते हैं YouTube का वीडियो बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप सभी को नेल पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो थंबनेल पे खास तौर ध्यान दीजिए, इससे भी आप सभी के चैनल पे फ़र्क पड़ता है। जब भी कोई व्यूअर आपके चैनल पे आता है या आपके वीडियो पे आता है, देखता है आपका थंबनेल अगर आपका अट्रैक्टिव रहता है, आई कैची रहता है, तो क्या करता है व्यूअर, उसको क्लिक करता है। जब क्लिक करता है, अगर वीडियो आप सभी का देखेगा तो CTR बढ़ेगा दोस्तों, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोलते हैं, अगर वो बढ़ेगा तो YouTube करता क्या है कि वीडियो को आगे भेजता है, और जब आगे भेजता है तो और लोग देखते हैं, जैसे कि वीडियो का CTR हाई होता है, और जब हाई होता है तो अच्छा खासा व्यू जाता है, जब व्यू जाएगा दोस्तों इससे भी वॉच टाइम मिलता है। तो हर एक यूट्यूबर भाई को अपने थंबनेल पे ध्यान देना है और अच्छे से थंबनेल बनाना है। दोस्तों, बढ़ते हैं लास्ट और अंतिम टिप्स की तरफ। और इस टिप्स में आप सभी बताना चाहूँगा कि जब भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो एक साथ में टाइम टेबल भी बना लीजिए, या अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो डेली करिए, वीकली कर रहे हैं तो वीकली करिए, अगर सेकेंड डे पर कर रहे हैं तो सेकेंड डे
सब्सक्राइब करिए, लेकिन टाइम टेबल फिक्स करिए। दोस्तों आपसे भी बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत सारे यूट्यूबर भाई जितने हैं देखते हैं एक टाइम टेबल पर ही वीडियो डालते हैं, तो इससे भी आपके चैनल पर फर्क पड़ेगा। कई ऐसे हमारे व्यूअर होते हैं या सब्सक्राइबर होते हैं जो कि वीडियो का आप सभी जब अपलोड करते हैं तो वेट करते रहते हैं, तो टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल से जब वीडियो डालेंगे तो देखेंगे आप सभी के वीडियो पे अच्छा खासा व्यू जाएगा। जब व्यू जाएगा तो दोस्तों इससे भी आपके चैनल पे फर्क पड़ेगा, मतलब उससे भी आप सभी को वॉच टाइम मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैंने कुछ टिप्स बताया है, अगर उन टिप्स को फॉलो करेंगे देखेंगे आपके चैनल पर अच्छा खासा वॉच टाइम मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दिया है आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कि कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं आप सभी को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ जल्दी से एक नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।